सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौर हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलमे इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मेरे हाथ एक दस्तावेज लगी है बिदार खातून, उससे साबित होता है जिन्होंने रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी उन्होंने आपके भाई को काफी बड़ी रकम अदा की थी, और जिस औरत ने रकम अदा की उसका नाम सारा है। हम नहीं जानते थे कि महल में किसने इन्हें मारने की कोशिश की है, लिहाजा ये हकीकत सबसे छुपाई। हमारे भाई से मुतालिक जो दस्तावेज आपके पास है, इशाइये से पहले वो आप हमारे पास ले आए। याद रखिए, आपके पास बस इतना ही वक्त है। इस लड़की के होश में आते ही आपके शोहर अपने अनजान तक पहुंच जाएंगे। उस्मानी बैंक के मैनेजर का कत्ल करोगे, फिर अब्दुल हमीद किसी ऐसे शख्स को तैनात करेगा जिसे हम लाना चाहते हैं। एक और नाम भी है, उमर का। जी हाँ, इंतकाम लोगे से। एक बार महल में दाखिल होकर मलिके का सामना कर लूं तो सब खत्म हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो। काम कोई भी हो, खूबसूरती से होना चाहिए, समझे? मेरा गालिब, मेरा गालिब, मेरा गालिब। महमद पाशा, हैरत में रहे तो अच्छा होगा कि किसने ये रकम उसके अकाउंट में जमा करवाई। वो पैसा उसके अकाउंट से फिर हमारे पास लौट आएगा। बहुत शुक्रिया। बैठो खातून, बैठो, थक गई होंगी। क्या हुआ अम्मी जान, ऐसे क्या देख रही हैं आप? तुम्हें देख रही हूं मेरे प्यारे बेटे। जैनब की हालत देखी थी तुमने उस दिन? बिल्कुल देखी थी अम्मी, कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा कहवा ही तो गिरा था। माशाल्लाह, जैनब एक समझदार लड़की है। हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ, जैनब एक बहुत समझदार लड़की है। लेकिन उस दिन कहवा गलती से उसके हाथों से नहीं गिरा था उमर बेटा, तुम्हारे दिल में कोई और है यही सुनकर गिरा था। आपका मतलब क्या है अम्मी जान? बेटा, मतलब तो साफ जाहिर है, जैनब बहुत अच्छी लड़की है, कोई नहीं उसका। एक यूसुफ जो तुम्हारे भाई जैसा है, जैनब तुम्हारे लिए संजीदा है। अम्मी देखो बेटा, तुम दोनों को हमेशा साथ देखना चाहती हूँ मैं। मैं चाहती हूँ तुम जैनब से शादी कर लो, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। तुम बड़े हो गए हो, हमारी जिंदगी का क्या भरोसा। अल्लाह आप दोनों को लंबी उम्र अता फरमाए, लेकिन मैंने जैनब को कभी इस नजर से नहीं देखा। बेहतर होगा इस बारे में सोचना छोड़ दें आप। उमर, बात सुनो बेटा, अगर तुम्हारे जहन में कोई और है तो जल्दी बात करो उससे, जैनब को इंतजार में नहीं रखना चाहिए। उसे इंतजार में मत रखें अम्मी जान, यही तो मैं भी कह रहा हूँ आपसे। चलिए अब आप अंदर जाएं, मुझे काम है, शाम को मिलेंगे। चलता हूँ मैं। मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़।
पुरम के मुकद्दस त्यौहार पर कत्लेआम। कुछ के बाहर वहशी मुसलमानों ने बेगुनाह यहूदियों को खूनी सुल्तान के हुक्म पर अपनी बर्बरियत का निशाना बनाकर ज़िबा कर दिया। इस खबर के मुस्तनद होने का तुम्हें पूरा यकीन है? पहले हम खबर लिखते हैं, फिर उसे खबर बनाते हैं। हमारा अखबार इस खबर को वियना से सबसे पहले शाया करेगा। कहाँ जा रही हो? महल। क्या अब तुम महल में कपड़े सीकर सुल्तान का मुकाबला करोगी? बिल्कुल, महल में लड़कियों के कपड़े सीकर सुल्तान के लिए कफन तैयार करूंगी। उम्मीद है ठीक होंगी इंशाल्लाह। ओलिवर ट्विस्ट की तरह बिल्कुल ठीक हूँ। ओलिवर ट्विस्ट? इस किताब में एक यतीम है, अगर उसकी परवरिश किसी अच्छे इंसान ने नहीं की तो ना जाने उसका मुस्तकबिल में क्या बनेगा। मशवरा है कि ऐसी किताबें ना पढ़ा करें, यह आपको मजीद परेशान करेंगी। मतलब मेरी पहली परेशानियां ही काफी हैं? नहीं, मतलब देखें, सोचें जरा, जब मुझे आपकी तस्वीर मिली तो मैं डर गया था, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो गया है कि डरने की कोई बात नहीं। क्यों डर गए थे? मैं समझा था उस तस्वीर में जो शख्स है वो आपका शौहर है। अगर वो आपका शौहर होता तो मैं और आप। मैं चलता हूं। अगर वो मेरा शौहर होता मैं भी खौफजदा होती। ये लीजिए, सारा ने मेहमत पाशा के अकाउंट में जो रकम जमा करवाई थी उसकी रसीद। ये मत भूलिएगा, मेहमत पाशा से ये रकम दोबारा वसूल भी करनी है। हो जाएगी पाशा, लेकिन ये बिदार का मुंह बंद करने की चाबी है महमूद पाशा। बिदार जब ये देखेंगी तो हैरान रह जाएंगी, हैरान। बिदार को तो खामोश करा लेंगी आप, लेकिन अगर वो चाकू वाली मोटी होश में आ गई तो लगता है मेरे नसीब में सुकून ही नहीं। महमूद पाशा, लोगों को खामोश करने के बहुत सारे हरबे होते हैं, उनमें से कुछ बहुत आसान भी हैं। जैसे कि क्या वालिदा? आप देखिएगा और जब देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। शहजादी, दर्जन आ चुकी हैं। ठीक है, अंदर ले आइए। सनिहा सुल्तान, ये वो दर्जन है जिनका मैं जिक्र कर रहा था। खुश आमदीद खवातीन। कहवा पेश किया जाए या सीधा महल चले? मेरा ख्याल है सीधे महल चली जाए सनिहा सुल्तान, लड़कियों को इंतजार में रखना मुनासिब नहीं होगा। जैसा आप कहें पाशा, तो हम चलते हैं फिर। जाइए, सफर बखैर हो, अल्लाह हाफिज। बाबा ये सब क्या है? सारा साहिबा को महल भिजवा रहा हूं। और उसके बाद क्या होगा? वहां वो उस लड़की से मिलेगी। अगर सारा पकड़ी गई तो क्या होगा? क्या होगा? बस एक बार आसन सारा साहिबा को देख ले, फिर अगर ये पकड़ी भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। ये होती है जहानत। कहो क्या बात है उमर? सुल्तान मौसम, आपको खबर मिली है या नहीं? एक साथ चार अफराद को कत्ल किया गया है और उनकी लाशों को बाजार में लटका दिया गया। खबर मिल गई है और इसकी तहकीकात भी कर रही है पुलिस, लेकिन हमें जो मालूमात मिली हैं वो नामुकम्मल हैं। मेरे सुल्तान, मुझे ऐसा लगता है कि इस वारदात के पीछे वजह कुछ और है। किस वजह से तुम ऐसा कह रहे हो?
क्योंकि हर लाश की पेशानी पर सलीब खुदी हुई है। मरने वाले मेरे ही मोहल्ले में रहते हैं, सबको जानता हूं मैं, सब लोग बेकसूर हैं। हमें जो मालूमात मिली उनमें सलीब का जिक्र कहीं नहीं था। इज्जत पाशा से पूछते हैं हम। वो आ गई। प्यारी शहजादियों, तारुफ करवाती चलूं। दर्जन नाना और ये एस्टर, महमूद पाशा की तरफ से एक तोहफा। आप लोग अपने लिए लिबास मुंतखब कर लीजिए, हम आप सबके लिए खाना तैयार करवाते हैं। दरअसल नाना कपड़े सिलाई करेंगी और सुना है वर्साई महल की लड़कियों के लिबास भी आपने ही सिए हैं। क्या मेरी सिलाई से आप मुतमईन नहीं है मोहतरमा? इनमें यह नहीं लिखा कि लाशों पर सलीब खुदी हुई है। क्या आपको कोई ऐसी मालूमात मिली है सुल्तान? मिली है पाशा, मिली है। कोई मुसलमानों को कत्ल करके उनके माथे पर सलीब बना रहा है, सवालिया निशान है ये खिलाफत के अख्तियार पर। हमने उस अफसर को बरतरफ कर दिया है जिसने ये तफसीलात पहुंचाई थी। आप इस मामले पर खुद तवज्जो दीजिए। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। तुम्हें होशियार रहना होगा उमर, उस हिरम को जख्मी किया था तुमने। बेफिक्र रहें सुल्तान मुअज्जम, वो बस एक बार मेरे सामने आ जाए तो मुझसे नहीं बच पाएगा। अल्लाह कामयाब करे। खुशामदीद। बताइए क्या खबर है? यहूदी यरगमाली यहाँ से कुछ ही दूर है, एक इमारत के अंदर। वहाँ मुसल्ला अफराद भी मौजूद हैं। अगर उन्होंने हथियारों की आवाज़ सुनी तो सबको मार देंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अंदर दाखिल कैसे हों। फिलहाल तो हम भी कुछ नहीं जानते, सुल्तान की हिदायत के मुंतजर हैं हम। मुमकिन है हलाक कर चुके हों उन्हें। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता जलाल। उनकी कार्रवाई शाम तक शुरू होगी, अभी वक्त है हमारे पास। क्या उस इमारत का नक्शा मिला आपको? यह रहा इमारत का नक्शा। बहुत शुक्रिया। अगर अंदर दाखिल हो भी गया हूं तो अंग्रेज निगरानों का मकाम जाने बगैर नहीं लड़ सकते। दुरुस्त कहा, हम अपने सुल्तान की हिदायत का इंतजार करेंगे। मम्मी मैं बेजार हो गया हूँ, बाहर खेलने जाना चाहता हूँ मैं। बेटा तुम बहुत जल्द खुदावंद के बागात में खेलोगे। मेरी लाश की अच्छी तस्वीर बनाना। मरने के बाद आप तस्वीर का क्या करेंगे? इसराइली रियासत जब कायम होगी तो रियासत के बानी की हैसियत से हमारी तस्वीर उसकी दीवारों पर लगाई जाएंगी। खुद को आखिरी खाने के लिए तैयार कर ले, चले पुरिम की दावत के लिए अपने लिबास तब्दील कर ले। ओह, जरा आराम से। उम्मीद नहीं थी हमें कि आपके पास ऐसी लड़कियां होंगी नाना। मैं आपकी मदद करती हूँ सुल्ताना। शहजादी खाना तैयार है, आपका इंतजार हो रहा है। बिल्कुल, हम थक चुके हैं, बाकी चीजें बाद में देखते हैं। आप लोग मेरे साथ आइए, बावर्ची खाने में आपकी मेज लगाई गई है। चलिए मोहतरमा। क्या सारी खावतीन यही रहती हैं? गैर जरूरी सवाल पसंद नहीं किए जाते यहाँ पे।
अब आपको यकीन आ गया होगा। जानती हूं कि कागज के इस टुकड़े की वजह से आपको खामोश रहने में तकलीफ हो रही होगी, लेकिन क्या किया जा सकता है? हम तो खामोश हो जाएंगे सनीहा सुल्तान, लेकिन जब वो लड़की होश में आएगी तब क्या करेंगी आप? अंदाजा नहीं कर सकती कि उस लड़की के होश में आने का कितना इंतजार है। आ जाइए। सुल्ताने मौज़म खाने की मेज पर पहुंच चुके हैं। हाँ। चलिए फिर चलते हैं हम। फातिमा पसंद के आने की खुशी में हमने सबके लिए बहुत जायकेदार खाना तैयार करवाया है। बिरयानी, भरे कबाब और ये सिरके के पानी में 5 घंटे रखे गए हैं, और इसके बाद उज़्बेक यखनी पिलाओ, और हांडी में पकाया गया गोश्त जैसा कि फातिमा पसंद को पसंद है, बहुत सारे पनीर के साथ। आज तो आपने अपनी सलाहियतें दिखा दी। और खाने के बाद आप सबकी पसंद की मिठाइयां तैयार करवाई गई हैं। उम्मीद है पसंद आएंगी इंशाल्लाह। आपने ज्यादा ही जहमत फरमा ली हमारी हमशीरा। अपनों से वाबस्ता लोगों की मेहमान नवाजी करना नेकी का अमल है, इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। आज आपकी इस मोहब्बत के बदले में सैर होके खाएंगे। अल्लाह उस्मानी दस्तरखान को इब्राहिम के दस्तरखान की सी बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। तशरीफ रखिए। क्यों नहीं रहे? वालिदैन ने अपने हाथों से बनाया है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें सबातीन। हुआ क्या है? वालिदा को कह दिया हमने, पाकीज़ा से मंगनी तोड़ना चाहते हैं हम। अंगूठी नहीं पहनी, ये तो होना ही था। वैसे आपने सही फैसला किया भाई, अभी जवान है, ना जाने आपकी जिंदगी में और कितनी लड़कियां आएंगी। वो आ चुकी हैं। आसन, एक सही फैसला करने के बाद फिर से गलती कर रहे हैं। क्या मतलब? दुनिया की बेशुमार ख्वातीन को छोड़कर सिर्फ एक औरत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करना और बाकी सबको नजरअंदाज करना, मेरी नजर में तो खुद को कैद कर लेना है। और शादी आजादी की बदतरीन दुश्मन है। लगता है आपका शादी का कोई इरादा नहीं। मेरे पास 35 साल की उम्र तक की मोहलत है। हाँ हाँ, लेकिन उसके बाद एक खूबसूरत परी से शादी करूंगा, जो बहुत खूबसूरत होगी, बहुत ही ज्यादा। उसके लंबे स्याह बाल होंगे और उसकी आंखें हिरनी जैसी, देखिएगा, देखते ही रह जाएंगे आप उसे। देखते ही रह जाएंगे। सुल्तान मुअज्जम, उम्मीद है पसंद आया होगा। बहुत लजीज है, खुश रखे अल्लाह आपको। बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि आपको एक रिवायत याद दिला दें। कौन सी रिवायत? हमारे अबाओ अजदाद इस तरह की ज़ियाफ़त वगैरह में मेहमानों से उनकी ख्वाहिशात पूछते थे, अगर ख्वाहिश मुनासिब हो तो पूरी कर दी जाती थी। लगता है आप कोई फरमाइश करना चाहती हैं, कहिए, हम सुन रहे हैं। सुल्ताने मौसम, हमें उस जख्मी लड़की का अफसोस है। मकबूला, अल्लाह का शुक्र है कि वो सेहतमंद हो रही है।
उसने बहुत तकलीफें सही हैं। हमने सोचा है कि जब वो सहतियाब हो जाए तो उसे अच्छी खबर सुनाई जाए। अगर आप इसे मुनासिब समझें तो हमारी ख्वाहिश है कि उस लड़की को अपने घर की बहू बनाए हम। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमें कबूल है अमशीरा। बहुत शुक्रिया सुल्तान मौसम। अब चूंकि लड़की बिदार सुल्तान की निगरानी में है तो इसलिए मंगनी का इंतजाम आपके जिम्मे होगा बिदार सुल्तान। क्यों नहीं, जरूर। अल्हम्दुलिल्लाह, खुश रहिए अमशीरा। शुक्रिया सुल्तान मौसम। दर्जन आई है, आप भी कपड़े सिलवा लीजिए। बहुत शुक्रिया, जरूरत नहीं। चले वालिदा, चलते हैं हम। महमूद पाशा ने हमेशा ही महल में अमन के लिए बहुत जहमतें उठाई हैं बिदार सुल्तान। खाना पसंद आया होगा यकीनन। आपने मिठाई नहीं खाई। कितना वक्त लगेगा? हो गया तकरीबन। उनका खाना खत्म होने वाला है, वक्त बहुत कम है। किस किस्म के लोग हैं ये? ख्वातीन और बच्चों को मारने का जश्न खाने के साथ मना रहे हैं। दुनिया में फसाद की आग भड़काकर जन्नत में जाएंगे ये, यही अकीदा है इनका। जो भी इसमें मुलव्वस है वो इंतहाई बदकार है। आखिर पाया तख्त में त्यौहार मनाने का मौका मिल ही गया। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो अब रास्ता रोक सके हमारा। यह हमारी कामयाबी नहीं, उस्मानियों की इंसाफ पसंदी है। सारा कहाँ है? मैं सोच रहा हूं न जाने किस भेस में आएगी वो। तुम यहां सारा के लिए आए हो या पूरिम के त्यौहार के लिए? यकीनन सारा के लिए ही आया हूं मैं, और वैसे भी मैं इस दिन को मुकद्दस नहीं मानता। मुकद्दस किताब में लिखे मुकद्दस दिन को नहीं मानते तुम? मेरी बात समझो अर्जल, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम उस दिन की बात कर रहे हैं जो सबसे पहले एस्ट्रा नामी औरत ने लिखा और फिर बाद में मुकद्दस सहीफों में शामिल कर दिया गया उसे। बाबा कहते थे अकायद सिर्फ उन आयात के साथ कायम रह सकते हैं जो हम खुद गढ़ते हैं। लगता है तुम भी इसी के कायल हो, मगर एक बात हम दोनों भूल रहे हैं कि हमने जो आयात खड़ी हैं वो हमें अर्ज़े मौदा तक ले जाएंगी। मुझे इतने सारे लोगों में सारा नजर नहीं आ रही। मैंने तुम्हें बताया ना कि उसका कुछ मालूम नहीं कि वो यहां आएगी या नहीं। और मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि खोने सुल्तान अब्दुल हमीद यहां किस लिबास में आए हैं। अब्दुल हमीद आया यहां? मैं नहीं मानता। सारा? सारा नहीं है वो। अगर वो सारा नहीं तो सुल्तान भी नहीं। कैफ 16। साइन 34। टी 66। हो
गया पाशा। बहुत खूब कैप्टन जलाल, अब सिर्फ जवाब का इंतजार है। पैगाम आया पाशा? जी हाँ मेरे सुल्तान, हमारे पास इमारत का नक्शा है, लेकिन कमालुद्दीन और जलाल का कहना है कि वो अंदर जाने का रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। ये बुनियादें कमजोर है पाशा, इमारत को सहारा नहीं दे पाएंगी। पानी कहाँ है? यहां है मेरे सुल्तान। पाशा, यरगमाली इमारत के अंदर नहीं है। लेकिन सुल्तान मौसम, तफसील तो इसी के मुताबिक थी, और इमारत के बाहर मुसल्ला अफराद भी मौजूद हैं। इससे जाहिर होता है कि यरगमाली इमारत ही में है। पाशा, यरगमाली इमारत के अंदर मौजूद नहीं है, नीचे है वो। इमारत के तहखाने में एक हौज है, यहाँ अगर किसी ने बाहर से अंदर जाने की कोशिश की तो उसके पहुंचने से पहले ही यहूदी मार दिए जाएंगे। उनका इस तरफ ध्यान नहीं गया होगा, मैं उन्हें आगाह करता हूँ। उन्हें कहता हूँ कि इस बात को मद्देनजर रखें। पाए तख्त से पैगाम आया है, इमारत के तहखाने में एक हौज है, मगवियों को शायद वहीं रखा गया है। वक्त हाथ से निकल रहा है, अंदर कैसे जाएंगे जलाल? मालूम नहीं, हिदायत का इंतजार करना होगा। पाशा, जी मेरे सुल्तान। उन्हें खामोशी से अंदर दाखिल होना होगा। क्या कहूं उन्हें? उन्हें वो लिबास पहनने का कहें जो हमने दिया था। जी बेहतर मेरे सुल्तान। क्या हो रहा है? लड़कियां थक गई होंगी, मजीद काम कल जारी रख लेंगे। जैसा आप कहें। आप लोग रात यहीं रुकना पसंद करेंगी या घर वापस जाना चाहेंगी? मुनासिब होगा यहीं रुक जाए। जुल्फत, इनके लिए कमरे तैयार किए जाएं। कहाँ हो तुम मलिके?
रुक जाओ, लगता है रास्ता भटक गए हो। हमें बताया गया था कि पोरेम की दावत यहां मनाई जाएगी, लगता है हमें देर हो गई। नहीं, देर नहीं हुई अभी, आ जाओ, वो नीचे हैं। ये यहूदी नहीं है, जासूस है। ये जानते नहीं कि खुद मौत के मुंह में जा रहे हैं, वरना अभी उल्टे पैर भाग चुके होते। वो क्या मैं महल का बाग देख सकती हूँ? देखो, तुम हमारे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर देना। मुसीबत कैसी है एस्टर? एक बार फिर पुरिम का त्योहार आप सबको मुबारक हो, और अब अजीम इसराइली रियासत की खातिर कुर्बान होने का वक्त है। नील और फुरात के दरमियान कायम होने वाली अजीम रियासत इसराइल के नाम। अजीम इसराइल इनके लिए एक छोटा सा कब्रिस्तान बन जाएगा। आगे बढ़ो यहाँ से, रियासत इसराइल की खातिर जान देने का वक्त है। का दिन कैसा गुजरा सनेहा सुल्तान? आज का दिन एक जबरदस्त दिन था महमूद। आला। लेकिन जब वो मोटी लड़की बात करेगी तो जबरदस्त दिन माजी बन जाएंगे। परेशान ना हो महमूद, उसे हमने हिफाजत में ले लिया है, अब वो कुछ नहीं कहेगी। बिदार सुल्तान कैसे राजी हो गई? हमने बिदार से नहीं पूछा, बराह रास्त सुल्तान से बात की है। ये सब कैसे हुआ? आपको मुबारक हो पाशा, उस लड़की को हमने बीवी के तौर पर पसंद किया है सबातीन की। वो मोटी? फरमान भाई का कहवा हमें नींद से बचाएगा। कहवे की बात नहीं है, आप खुशी में नहीं सो पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जैनब बाजी से आपकी शादी हो रही है। मैंने कहा था ना, आपको इश्क हो गया है। आशिक को तो मैं उसकी आंखों से पहचान लेता हूँ। तुमने छुपकर बातें सुनी? नहीं नहीं भाई, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? आप खुद बोल ही ऐसे रहते कि मैंने सब सुन लिया। अब आवाज आ रही हो तो क्या कान काट लूं मैं अपने? काट लो, अच्छा होगा, थोड़ा वजन कम हो जाएगा। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे वजन का मजाक उड़ाना छोड़ दें। बड़ा है, चलो अब। बाबा, दरवाजा क्यों खुला हुआ है? तुमने दरवाजे को ताला क्यों नहीं लगाया था? उस्ताद, मैंने तो लगाया था। तुम्हारी माँ के खून से लिखना चाहता था, मगर ठीक से लिख नहीं सका। जब तुम्हारी मां के माथे पर सलीब बनाऊंगा तो हिसाब बराबर हो जाएगा। हीरा,
तुम दाएं तरफ जाओ, मैं सामने जाता हूँ। रियासत इसराइल के नाम, हमारी नस्लों के लिए तौरात में जिस जमीन का वादा किया गया है उसकी खातिर। इन्हें तो तुम्हारा ही इंतजार था हमें। सुल्तान के जासूस को मार दिया, अब तुम्हारी बारी है। खत्म कर दो इन्हें। बाबा के कातिल अब्दुल हमीद से इंतकाम लिए बगैर खुश रह सकोगी? इंतकाम लेके रहूंगी मैं। मलिके, पहचाना तुमने मुझे? आसन, इस लड़की का नाम आसन है, मलिके नहीं। सारा हदाया, अब तुम हिसाब के लिए तैयार हो जाओ। ले जाओ इसे। नीचे चलकर देखते हैं क्यों इन गलीज लोगों पर इतनी गोलियां जाया कर रहे हैं। इन्हें गलीज भी कहते हो और इनका इस्तेमाल भी कर रहे हो। ये औरत याद है आपको? नहीं, नहीं याद मुझे, नहीं। इस औरत ने ही हमारी जान लेने के लिए आपको यहां भेजा था। आज नहीं तो कल याद आ ही जाएगा, उसके बाद इम्तिहान शुरू होगा आपका। मेरे सुल्तान, सारा को हमने महल के एक मुनासिब कमरे में रखा है। बेहतर है पाशा, और इन्हें कल तक सवाल का जवाब सोचने दें। फलस्तीन से कोई खबर आई? जी नहीं मेरे सुल्तान। जलाल,
हथियार फेंक दो अपने, वरना मार दूंगा इसे। मैंने कहा फेंको अपने हथियार। इरादा नहीं था हमारा तुम्हें मारने का, मगर तुमने हमें गोली चलाने पर मजबूर किया। बुज़दिल, मासूमों की जान लेने वाला रहम का मुस्तहिक नहीं। अभी तुम्हारी जान ले सकता हूँ, लेकिन नहीं। लगता है कि यहूदियों को मारना शुरू कर दिया है। हाँ, लगता है कि काम शुरू हो गया है। अब हम जबरदस्त सुर्खियां लगाएंगे ताकि सबको इनसे हमदर्दी हो। जनाब हर्जल की ख्वाहिश के मुताबिक खबर बनाएंगे। उस्मानियों के हाथों कत्ल होने वाले यहूदियों के आखिरी अल्फाज ये थे, अगर हमारी अपनी रियासत होती तो उस्मानी हमें कभी इस तरह कत्ल ना करते। ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं। कैमरे और दूसरा सामान उठा लो, जल्दी करो, जल्दी करो, वक्त नहीं हमारे पास। चलो आ जाओ मेरे साथ। उमर, उमर, आखिर हुआ क्या है बेटा? होश में आओ, बताओ बात क्या है। उमर, अम्मी को, अम्मी को एक बार कर लिया है बाबा। ज़ैनब, 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 ज़ैनब उठो मेरी बहन, ज़ैनब, ज़ैनब, ज़ैनब अपनी आंखें खोलो, ज़ैनब, ज़ैनब, ज़ैनब क्या हुआ है कुछ तो बताओ, ज़ैनब होश में आओ मेरी बहन। आसिया खाला, हुआ क्या था बेटी? दरवाजे पर दस्तक दी किसी ने, पहले दरवाजा खोल दिया, मुझे लगा कि आप लोग आए होंगे। उस आदमी की एक आंख नहीं थी, मुझे धक्का दिया और अंदर आ गया। उसने आसिया खाला को देखा और उनकी तरफ बढ़ा, उसने पिस्तौल निकाल ली थी। और मैं बेहोश हो गई, न जाने उसके बाद क्या हुआ। वो आदमी कौन है बेटा? हीरम। कौन है ये हीरम? हमारे मुल्क को कौम के अमन का दुश्मन। आसिम चाचा। बाबा, बाबा, रहीम, अल मालिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम। सारा को आपने धोखा दिया, उसे अब्दुल हमीद के हवाले कर दिया, ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। कौन है ये? ये उस लड़के की माँ है जिसने मेरी आंख साया की। लेकिन आज से इसकी देखभाल हमारे घर में हो तो बेहतर होगा। मालूम है ना आपको हमारी होने वाली बहू है। इस महल से मुतालिक कोई बात याद आई आपको बताइए। अब्दुल हमीद से अपने बाबा के कत्ल का इंतकाम नहीं लोगी क्या तुम? इंतकाम लेके रहूंगी।